हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा, जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप आज मैं आपको कुछ मुहावरे कराने वाली हूँ जो लास्ट ईयर्स एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और ये हमारे एमपी के साथ यूपी स्टेट में बहुत सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ये वो थोड़े से क्या होता है, इनका जो लेवल होता है वो टफ़ होता है। हमारे जो स्कूल के जो हम मुहावरे करते हैं या हम कॉलेज में जो पढ़ते हैं हिंदी में, उसके कंपैरिजन में ये थोड़े से अलग लेवल का होता है। और यहाँ अगर हमें ये पूरे पता होते तो हमें फुल मार्क्स मिलते हैं, तो ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कुछ जो मॉडल मुहावरे हैं किस प्रकार के आते हैं, तो वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। ये आया है यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर मेंस जनरल हिंदी 2013 में आया है। पहला है सांप सूंघ जाना। सांप सूंघ जाना मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई किसी की दुख भरी खबर सूंघ ले, या किसी को ऐसी चीज़ कोई सुन ले जो उसने उम्मीद नहीं थी एकदम से, तो वो एकदम चुप होके रह जाता है, उसको बोलते हैं सांप सूंघ जाना। वाक्य में प्रयोग हम इसको कैसे करेंगे, जैसे कि वर्तमान में राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, ऐसा लगता है जैसे सबको सांप सूंघ गया है। लुटिया डुबोना। लुटिया डुबोना का मतलब होता है काम खराब कर देना। कोई किसी का काम खराब कर देता है तो बोलते हैं तूने मेरी लुटिया डुबो दी। जैसे कि विभिन्न भर्ती आयोगों में अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर सरकार ने योग्य छात्रों की लुटिया ही डुबो दी। नेक्स्ट है सिर पर सवार रहना। सिर पर सवार रहने का क्या हो जाएगा, किसी कार्य के लिए हठपूर्वक पीछे पड़ना, मतलब जिद करना, सिर पर सवार। और बोलते हैं घर में भी कोई अपन ऐसे काम कर देते हैं, जिद करने लगते हैं, तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं तुम्हारे सिर पर सवार हो जाती है कोई चीज़, तो मतलब उसका मतलब होता है जिद करना। तो उसकी छोटी बच्ची अपनी माँ बात मनवाने के लिए हमेशा सिर पर सवार रहती है। नेक्स्ट है हवा हो जाना। हवा का हम लोग को पता ही है, हवा हो जाना मतलब भाग जाना, बोलते वो हवा हो गया है, तो भाग जाना अथवा ना रहना। पुलिस के पहुँचते ही चौराहे के सारे अराजक तत्व हवा हो गए। चींटी के पर निकलना। चींटी के पर निकल का मतलब होता है, चींटी मतलब छोटी सी है, अब उसके पर निकल आए मतलब छोटी सी चीज़ वाला आज भी अपने को बड़ा बताकर बोले, तो इसका अर्थ हो जाएगा हैसियत से बढ़कर बात या काम करना। वाक्य में प्रयोग पंचायत के चुनाव में अपना कड़ा विरोध देकर प्रत्याशी ने कहा अब चींटियों के भी पर निकल आए हैं। नेक्स्ट है ये 2009 के पेपर में आया था, चोटी कुतिया से जलेबियों की रखवाली, मतलब जो खुद चोर है उससे रखवाली करवा रहे हैं, तो इसको अर्थ में अपन बोलेंगे भक्षक को रक्षक बनाना। देखिए फ्रेंड, आता तो हम सबको है कि इसका अर्थ क्या होता है, लेकिन उस तरीके से लिख के ऐसे सकते हैं वो हमको पता होना चाहिए। तो चोटी कुतिया से जलेबियों की रखवाली, इसका मतलब होगा भक्षक को रक्षक बनाना। वाक्य में प्रयोग क्या होगा, वर्तमान राजनीतिक भ्रष्टाचार को देखकर मन में यह प्रश्न उठता है कि राजनेता जनता के हितों की रक्षा कैसे करेंगे, या तो उसी तरह है जैसे चोटी कुतिया जलेबियों की रखवाली। नेक्स्ट है गले का हार होना। गले का हार, कोई चीज़ गले में हम पहनेंगे मतलब वो हमको बहुत प्रिय होगा, तो गले का हार मतलब अत्यंत प्रिय होना। वाक्य प्रयोग बी आर चोपड़ा का दूरदर्शन सीरियल महाभारत दर्शकों के गले का हार हो गया था। नेक्स्ट है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अवसरवादिता, इसको बोलेंगे अवसरवादिता, मतलब अवसर मिलना। कुछ लोगों का यह स्वभाव होता है कि उनके सामने जो व्यक्ति आता है उसी की प्रशंसा करने लगते हैं, ऐसे ही लोगों को कहा जाता है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मतलब जैसा अवसर वैसी वाणी, उसको बोलते हैं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास को अर्थ बोलेंगे अवसरवादिता। नेक्स्ट है गुड़ गोबर कर देना, मतलब काम बिगाड़ देना। वाक्य में प्रयोग क्या होगा, शासन के एक अदूरदर्शी निर्णय के कारण छात्रों का सब गुड़ गोबर हो गया। फिर नेक्स्ट है घर का भेदी लंका ढाए, मतलब आपसी फूट का परिणाम भयानक होता है। घर में ही अगर हम आपसी फूट डालेंगे तो उसके परिणाम ज़्यादा भयानक होते हैं। आंभी का सिकंदर से मिल जाना पोरस की हार का कारण बना, यह सही कहा गया है घर का भेदी लंका ढाए। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का स्वयं भेद सशंकित होना, स्वयं ही सशंकित होना। भरी सभा में मेरे कुछ कहने से पहले ही राजीव अपनी सफाई देने लगा, इससे लोगों में यह आशय लगा कि उसी ने चोरी की है, क्योंकि कहा भी गया है चोर की दाढ़ी में तिनका।
ओखली। फ्रेंड्स आप हमारे हिंदी के मुख्य परीक्षा के नोट्स ले सकते हैं, जिसकी सॉफ्ट कॉपी की प्राइस 200 रुपये है और हार्ड कॉपी की प्राइस इसकी 450 रुपये है। ये सभी ग्रामर के टॉपिक, प्रतिवेदन, रिपोर्ट राइटिंग, प्रारूप लेखन, जितने भी सब टॉपिक हैं सिलेबस में, वो आपको इस सिलेबस में मिल जाएंगे। यहाँ संक्षेपण भी, पल्लवन भी, जितनी भी सब चीज़ें होती हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन, सब आपको इस रेट पर मिल जाएगा। ओखली में सिल देना मतलब परिणाम से भयभीत ना होना, परिणाम से भयभीत ना हो के भी अपना काम करते रहना। पाक्यों में प्रयोग, अब तो कुश्ती के दंगल में पहलवान के सामने आ ही गया हूँ, जीतू या हारू, अब तो ओखली में सिर मैंने दे ही दिया है। नेक्स्ट है दाई से पेट छिपाना, मतलब जानकार से बात छिपाना, उसे तुम्हारी हर बात की जानकारी, उससे कुछ ना बताना दाई से पेट छिपाने के समान है। मिट्टी पलीत करना मतलब स्थिति बिगाड़ देना। वाक्यों में प्रयोग क्या होगा, मेरे बीच तुम आज के बाद कभी मत पड़ना, अन्यथा तुम्हारी मिट्टी पलीत कर दूंगा। नेक्स्ट है खाक छानना, खाक छानना का होता है मारा मारा फिरना। क्या आपको यह दिखाई नहीं पड़ता कि अरविंद 2 वर्षों से खाक छान रहा है। पौबारा होना का मतलब होता है खूब लाभ होना। दोस्त तुम्हारे लिए चिंता की क्या बात है, तुम्हारी तो सब जगह पौबारा ही है। नेक्स्ट है हथेली पर सरसों उगाना, मतलब असंभव कार्य करना। गंगा में जो बोना हथेली पर सरसों उगाने जैसा ही कार्य है। नेक्स्ट है ईद का चांद होना, मतलब बहुत दिनों बाद दिखना। सेठ बिहारी मल का बड़ा पुत्र ब्रिटेन गया, वहाँ पर विधि की शिक्षा ग्रहण करके वापस आया और उसने वहाँ पे शादी भी कर ली। अब वह भारत बहुत कुछ दिनों बाद आता है तो लोग कहते हैं वह तो ईद का चांद हो गया है। नेक्स्ट है कलम तोड़ना, मतलब होता है बहुत अच्छा लिखना। मुंशी प्रेमचंद ने रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, निर्मला गबन जैसे कई उपन्यासों की रचना की, तो उसको बोलते हैं गोदान उपन्यास में उन्होंने कलम तोड़कर रख दिया। बट्टा लगाना का मतलब होता है किसी पे दोष बढ़ना। मास्टर रामाजोर एक बहुत विद्वान प्रकृति के व्यक्ति हैं, वो हमेशा दूसरे को ही बट्टा लगाते हैं। होनहार बिरवान के हो चीखने पात, इसका मतलब है होनहार के लक्षण उसके विकास की प्रथम अवस्था में ही दिखने लगते हैं। वो आपने सुना होगा पूत के लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं। तो वाक्यों में प्रयोग क्या होगा, शिशु नरेंद्र के गुणों से यह स्पष्ट हो गया था कि यह बच्चा आगे चलकर एक महान व्यक्ति होगा, क्योंकि होनहार बिरवान के होत चीखने पात। सावधान 22 पसेरी, मतलब एक समान समझ कर व्यवहार करना। वाक्य प्रयोग, अयोग्य व्यक्ति अच्छे खराब सभी लोगों को एक समान मानकर इस अब धान 22 पसेरी तोलते हैं। नेक्स्ट है चांदी काटना, मतलब खूब धन पैदा होना। आनंद ने जमीन के धंधे में इस वर्ष खूब चांदी काटी। उल्टे छुरे से मुड़ना, बेवकूफ बनाकर काम निकालना। आज के भौतिकवादी युग में सभी एक दूसरे को उल्टे छुरे से मुड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या होना, दूसरों की उन्नति देखकर उसकी छाती पर सांप लौटने लगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब निरर्थक पुरानी बातों को उद्घाटित करना। प्रयोग क्या होगा, गड़े मुर्दे उखाड़कर तुम जो सोच रहे हो उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ साधना। वसुदेव कुटुंबकम की जिस भावना का उद्घोष हमारे मनीषियों ने परार्थवादी दृष्टिकोण के तहत किया था, आज उससे बहुत दूर होकर व्यक्ति मात्र अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब विशेष जानकारी हासिल करना। पंडित हरि प्रसाद के साथ रहते रहते राजू अब इतना सिद्धहस्त हो गया कि वह उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता है। अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा। जितेंद्र अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। गूलर का प्रयोग, फूल होना। गूलर का फूल का मतलब होता है ना दिखाई पड़ना। आज के युग में लक्ष्मण के जैसा भाई मिलना गूलर के फूल के समान है। आस्तीन का साप होना मतलब विश्वासघाती होना। कल तक मैं तुम्हें अपना विश्वास पात्र समझता था, लेकिन तुम तो आस्तीन के साप निकले। घाट घाट का पानी पीना मतलब संसार का अनुभव प्राप्त करना। वाक्यों में प्रयोग क्या होगा, मुझे किसी मामले में कम मत आगो, मैंने घाट घाट का पानी पिया है। फ्रेंड्स के अलावा जो भी मुहावरे हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह से जो भी ग्रामेटिकल पार्ट मुख्य परीक्षा में आता है वो मैं आपको करवा दूंगी। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।